सत श्री अकाल गगनदीप शर्मा वालों सारे दर्शकों को हाथ जोड़ के एक बहुत बहुत सत श्री अकाल। अज असी आए हैं सनी शर्मा के घर जो कि एक नैशनल प्लेयर ने। असी अपने चैनल मुंडा अमृतसर जी वालों उन्होंने को आप जानांगे कि अज के जो हालात चल रहे हैं, जो किसानी के जो मुद्दे ने, जो सरकार नीतियां ने, उन्होंने बारे आप अज सनी शर्मा ना मुलाकात करांगे। उन्होंने पूछांगे कि उन्होंने की विचार ने इस माहौल के उत्ते, इस धरने को लैके। तो आओ आप सनी शर्मा जी नाल गल करते। सत श्री अकाल जी। सनी शर्मा जी, आपां तुहाडा नाम सुनिया काफ़ी, तुसीं नैशनल गेमां खेडियां ने, नैशनल प्लेयर के नाते तुहाडा एक बहुत वड्डा नाम है। सो असी अपने चैनल मुंडा अमृतसरिया वालों आए हैं। आप जो अज एक किसानों के उत्ते जो अत्याचार हो रहा, कह लो कि जो उन्होंने धक्का हो रहा, जो भी गवर्नमेंट दी नीतियां ने, तुसीं उन्हां बारे की एक्सप्लेन करना चाहते हो, ताडे की विचार है उन्हां बारे, तुसीं साडे दर्शकों इस चैनल के माध्यम नाल अपने विचार सांझे करना चाहते हो। हाँ जी, हाँ जी, देखो जी, सब ना वड्डी गल है कि अजक टाइम जो हालात बने हुए हैं, पहले तो कोविड ने तंग किया ही लोगों, हम सरकार तंग कर रही है किसानों। किसानों का मुद्दा जो भी चल रहा जिंदगी, आप सारे फील करते हैं कि किसानों की जिन्हें दुकान से जो भी किसान चाहते हैं गवर्नमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि किसान एक ऐसी चीज़ है। देखो जी, पानी हो करोड़ पति तो पानी हो नॉर्मल बंदा खानी आने हर किसी रोटी है, दाल फुलका खानी रोटी है, भावे ओबामा हो भावे अपने देश का भी गरीब तो जे अगर आप चीज़ लैके देखा कि नहीं यार अपने खास खास बंद अपने अपने व्यापार बनाइए, बिजनेस बनाइए, तो किसान का जो हक है वो आप लोगों को दे देंगे और अपनी अपन पार्टी के बंद दे देंगे, तो फिर वो गलत गल है। अजक टाइम के सारे वही गल है, जिन्हें रोटी खा ली उन्हें सब कुछ कर लिया, तो रोटी जी आती है जो आप अन्न खाने वो अपना अन्न है अन्न देवता वालों, अन्न देवता किसान जो बनाते हैं गाह अगे भेजते हैं, साढ़े घर के आता है। आप जी प्लेट से रोटी खाते हैं, जी प्लेट से अपनी सब्जी आती है, वो कितना कितने किसान वालों होंगी है अपना। हमारी टीम पूरी, मैं मेरी टीम, मैं टीम का अपनी सहायक सहयोग करता, अड्डे अड्डे मुंडे गए भी दिल्ली किसानों का साथ देने, हम असं भी जाऊँगे नैक्सट वीक का प्लैन है वा। तो सरकार को हाथ जोड़ के बेनती करता है कि किसानों दिया जी शर्त है किसानों की मान लिया। शर्मा जी, मैं गल में रोकदा वा कि तुम्हें लगता वा कि सरकार जो किसानों के मुद्दे ने उन्होंने मनूगी? सरकार को देखो जी मनना चाहिए वा, क्योंकि अजक टाइम हम देखो किसानों ने पहला पंजाब अपना दो एक दो महीने बैठ ले, किसी ने सुनवाई नहीं की, हम जो दिल्ली बैठे है और तक सरकार को पता लग गया कि हाँ ये मामला थोड़ा गंभीर बनता जा रहा है। तो असं तो सारे यही अपील करते हैं कि सरकार किसानों या जो भी शर्त मान लैन, जो बिल उन्होंने बनाए सारे रद्द कर देन, क्योंकि हमारे देश के किसान ही एक ऐसी चीज़ है। मेरे वालों तुम यही कहना वा कि आइए सोचते हैं भाजी कि जी थाली थाली रोटी आनी है और किसान तो आनी है, अगर आप अपनी रोटी की कदर नहीं कर सकते फिर आप किसी की कदर नहीं कर पाएंगे, भावे कोई भी बंदा चाहता हो। सो पंजाब टीम वालों साढ़े वालों तो अमृतसर चैनल वालों भी अभी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्हें भी जाने ने जोड़े वीडियो देख रहे हैं किसानों का सहयोग करो, कोई भी किसी तरह की भी गलत टिप्पणी ना करे, किसानों की सपोर्ट करो, किसान आते आप वा तो किसान नहीं तो आप नहीं। अच्छा शर्मा जी, जिस तरह सारे कह रहे हैं कि अंबानी अडानी जियो का बहिष्कार किया जाए, तो सहमत हो? हाँ जी, जिदा कि हमारे देश के देखो जी, सू जियो अंबानी नहीं तुम जानते नहीं है, वो थे तगड़िया कंपनिया के, आप है सरदार बंदे, आप किसान जानते हैं, तो आप किसानों को जानते, किसान अपने को आते हैं, और तीजा बंदा आप जानता नहीं है। तो जिदा हमारे वीर भरा कहे आप उदा ही करा, जियो जो अगर नहीं मोदी सरकार सुन रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं सुन रही, फिर तो आप खुद सारे जने कहे कि बंद करो जो रिलायंस का इन्हों का है जो भी इन्हें जियो का हिसाब वा, क्योंकि देखो मैंने नहीं पता जियो का रिलायंस जो भी हिसाब का इन्हें है, बट मेन गल यह है कि जिदा चलता रहे सिस्टम उदे चलना चाहिए वा, माहौल ना खराब हो, जो भी सरकार इस चीज़ बारे गंभीरता लैनी चाहिए ताकि हर देश का किसान ना
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਰਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਜੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਬੋਰਡਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਰਾਂ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।